चलो प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है प्रॉपर देख लिया है, अब बात करने वाले हैं क्या भाई, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो आपके सिलेबस में, क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब क्या सर, सेकेंड ऑर्डर का आ जाए तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं, कुछ केसों में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो हमें बेसिकली देखना है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही सोल्यूशन देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे पहले ही केस में मैंने बता दिया था, जो सोल्यूशन आता है बेसिकली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो तरीके का सोल्यूशन होता है। एक आता है आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन और एक आता है आपका जनरल सोल्यूशन। कौन सा आता है? जनरल सोल्यूशन। क्लियर है? जनरल सोल्यूशन जो होता है बेसिकली, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो जब इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होगा, और वो कांस्टेंट जो होगा वो हमें क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व। तो वो जो सोल्यूशन आपको दिखेगा वो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। लेकिन जब उसी में कोई सी की वैल्यू पार्टिकुलर रख देंगे हम, तो वहाँ से जो इक्वेशन सोल्यूशन निकल के आएगा वो क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जनरली हम लोग जनरल सोल्यूशन की ही बात करेंगे, लेकिन अगर सी की वैल्यू कहीं गिवन है तो वहाँ पर बात किसकी होगी भाई, पार्टिकुलर सोल्यूशन की। क्लियर है? तो आओ बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तरीके तो बहुत हैं, लेकिन बेसिकली आपको तीन ही मेथड यहाँ पे सीखना है। वो कौन कौन सा मेथड सीखना है आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पर आ जाओ। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सोल्यूशन ऑफ डी। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से इसको देखेंगे। क्लियर? तीन तरीका। पहला तरीका जो आपको बताऊंगा वो वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है? सेकेंड तरीका जो बताऊंगा होमोजीनियस इक्वेशन। थर्ड जो तरीका आपको बताऊंगा वो लास्ट होगा एलडी। क्लियर? एलडी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। इसमें भी कई टाइप आ जाएंगे आपके, बर्नौली इक्वेशन, क्लेरेट्स इक्वेशन। क्लियर है? तो बात हम लोग आज करने वाले हैं कि सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला आपका वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आओ देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू हम कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, सिंपल सा। क्लियर है? कि लिखा हुआ है dy by dx इज इक्वल टू x by y। क्लियर है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? अब वेरिएबल सेपरेबल में प्यारे बच्चों ध्यान हम ये देते हैं, क्लियर है, कि जिस तरफ dy है उस तरफ y के टर्म में ले आते हैं, और जिस तरफ x है उस तरफ dx के टर्म में ले जाते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे dy था तो ये y वाले टर्म को इधर ले आएंगे, और dx की तरफ किसको भेज देंगे, dx वाले टर्म को। क्लियर है? मतलब dx के साइड x होना चाहिए और dy के साइड y होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर दिख चुका है। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मुझे फंक्शन की वैल्यू मिले, तो आप क्या कर दो भाई साहब, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, आपको पता है प्यारे बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा y² / 2+c, और इसका भी इंटीग्रेशन कितना आएगा, x² / 2+c। क्लियर है? अब दो दो c1 c2 लिखने से बेटर है। क्लियर है? किसको इस साइड ले आते हैं, तो y² - x² - 2 इज इक्वल टू c2 - c1। क्लियर है? और इन सबको उधर ही भेज दो, y² - x² = 2 × c2 - c1। तो यहाँ से y² - x² बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2c2 - c1 को, एक बड़ा सा नाम दे देते हैं c1 का। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर आ गया सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है सर, वेरिएबल सेपरेबल में हमें dy के साथ y वाले टर्म को ले लेना है, और dx के साथ x वाले टर्म को ले लेना है, और प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, हमें प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आओ आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, प्रॉपर आप इंटीग्रेट करके उसके सोल्यूशन बताएं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आओ फटाफट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है।
आओ देखते हैं कौन फटाफट इंटीग्रेट करेगा। क्लियर है, बहुत आसान होते हैं। आओ क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, फटाफट बताएं। देखें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। क्लियर है, तो इन तीनों ही क्वेश्चन का सलूशन आपको फटाफट बताता हूँ, बहुत आसान होता है वेरिएबल सेपरेबल। आओ, आपने कहा था सर कि y वाले टर्म को y के साथ dy के साथ ले जाएंगे और x वाले को dx के साथ रखेंगे, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से टू माइनस वाई dy बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस वन dx। क्लियर है, सबको dy दे दो तो टू डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। क्लियर प्यारे बच्चों, सबको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2y, यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है, दो जगह तीन जगह सी लिखने से बेटर है कि हम प्रॉपर एक ही सी लिख देंगे, तो ये प्रॉपर इसी को थोड़ा सा अरेंज कर दो, ये प्रॉपर तुम्हें क्या मिल गया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सर क्या है कि यहाँ पे dy डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर ले जाएंगे और उधर रखेंगे dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। सर अरे ये तो कुछ लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या कितना आता था, एक्स बाई टू मतलब वाई बाई टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब वाई बाई टू। क्लियर है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना, वाई को उधर भेज दो भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई आ जाएगा, वाई वाले टर्म को नीचे भेज दे तो डी वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स, और प्रॉपर इंटीग्रेट कर लें, माइनस साइन कॉमन कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस वाई। क्लियर है, तो बहुत आसान होता है वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है, आओ और कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी और तगड़ी हो सके। बस सिर्फ प्यारे बच्चों यही सोचना है कि dx के साइड x वाले को ले जाएंगे और y के साइड dy वाले को ले जाएंगे और प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट, सेकंड e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x, 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन आप करते रहें फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है, तो इतने क्वेश्चन अगर आप इतने बना ले गए तो वेरिएबल सेपरेबल में आपको परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है, आओ एक एक करके फटाफट आपको सलूशन देता हूँ, जितना कर पाए हूँ ठीक है, नहीं कर पाए हूँ तो आए बोर्ड पे देखें। आओ बताता हूँ फटाफट, सर वाई वाले टर्म को डीवाई के साथ ले जाएंगे तो आएगा क्या भाई, डीवाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सर डीएक्स को इसके साथ रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा भाई, डीएक्स बचेगा। सर इसका इंटीग्रेशन हमें पता है और इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डीवाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा dx, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेट करोगे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर का आपको पता है कितना आएगा, tan इनवर्स
टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका सोल्यूशन। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन देखें भाई। इस वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ध्यान दो, तो यहाँ पे y और x दोनों एक साथ हैं, तो कोशिश हम ये करेंगे कि y वाले टर्म को dy के साथ रखें, x वाले टर्म को किसके साथ रखें, dx के साथ रखें। तो एक काम करते हैं, इनको पहले उधर ले चलते हैं, ठीक है? तो अगर उधर ले जाओगे प्यारे बच्चों बनेगा क्या, देखना ध्यान से, e टू द पावर x। अच्छा ऊपर वाले को रेज कर सकता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाले को रेज करके आपको प्रॉपर सोल्यूशन देता हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पे जो ये सोल्यूशन लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें क्या है, सी इन्वॉल्व है। क्लियर है? चलो आओ देखें ध्यान से, यहाँ पे करने ये जा रहा हूँ भाई, इसको उधर उधर साइड ले जाता हूँ, ठीक है? तो होगा क्या, e टू द पावर x टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वन माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy। क्लियर है? एक काम करो प्यारे बच्चों, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले चलो। क्लियर है? तो इसको जब इधर लाएंगे तो e टू द पावर x डिवाइड बाई अच्छा अगर माइनस यहाँ पे e टू द पावर x माइनस वन कर लेते हैं, माइनस साइन इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो e टू द पावर x माइनस वन बचेगा। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? यही बचेगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा सर sec स्क्वायर y डिवाइड बाई टेन y dy। क्लियर है? और यहाँ पे आपका बचेगा dx। प्यारे बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। आपको याद है कि अगर इसको आप t मानते हो तो ये dt में चला जाएगा, ठीक है, और इसको t मानते ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा वो आएगा log ऑफ e टू द पावर x माइनस वन इज इक्वल टू, उधर बचेगा प्यारे बच्चों log ऑफ tan y प्लस c, प्लस क्या बचेगा प्यारे बच्चों, c। ये आपका प्रॉपर इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज कैसे करोगे, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस वन को उधर भेज सकते हो, तो e टू द पावर log tan y हो जाएगा और उसका आंसर एग्जैक्टली क्या तुम्हें मिल जाएगा, tan y। थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हो। क्लियर है? आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखना भाई ध्यान से थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो जाहिर सी बात है इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक है, dx। अब देखो x का टर्म इधर है, तो x के टर्म को क्या करते हैं भाई, प्रॉपर dx के साथ ले जाते हैं। तो ऊपर इरेज कर सकता हूं, अगर आपका आ जाओ देखो भाई यहां पे अगर बात किया जाए तो इस पूरे कोई एक्स के साइड ले लेते हैं तो आएगा क्या, आएगा क्या प्यारे बच्चों, देखो डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या जाएगा यहाँ पे डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। क्लियर है? यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो सर आएगा वाई, और प्यारे बच्चों इसको देखो यहाँ पे अगर टी मानते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में। तो इसको प्रॉपर लिख सकते हो लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कैपिटल सी, ये प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है? अब लास्ट आपके सामने है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि dx को इधर ले आते हैं, y को dy को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है? और ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? आपको याद होगा कि बेसिकली हम ये पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में देखा था कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है सर 2 cos स्क्वायर x। अब प्यारे बच्चों अगर ये नहीं पता है फार्मूला तो आप लोग याद कर लो, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाफ एंगल लेंगे, क्लियर है, x रखोगे तो x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x है तो x है, अगर यहाँ x रखते हो तो वहाँ पे कितना हो जाएगा x बाई 2। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो इसको भी लिख सकते हो भाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, dy की वैल्यू आ जाएगी, ये प्रॉपर बच्चों बन जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर है, इंटू dx। और tan स्क्वायर x बाई 2 को आप जानते हो, लिख सकते हो क्या भाई, dy बाई dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। क्लियर है? अब प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा भाई, tan x बाई 2 बोलो डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, ये वेरिएबल सेपरेबल बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों,
उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको यही बात ध्यान में रखना है कि x वाले को x साइड ले जाएंगे और dy के साइड y के प्रॉपर टर्म उठा के ले जाएंगे और प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करके बता देंगे कि सोल्यूशन क्या आएगा। बहुत आसान होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, क्लियर है। आओ कुछ यहाँ पे चर्चाएँ बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। बेसिकली पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते वक्त बस कुछ नहीं करना है, जो प्रॉपर आपने जनरल सोल्यूशन निकाला है उसी में c की वैल्यू अगर आप लोग निकाल दोगे तो उसी को कहेंगे क्या है ये, क्या है भाई, क्या है ये पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो आओ कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें भाई। dy by dx is equal to, dy by dx is equal to y tan x, y tan x, y equal to 1 when x equal to 0। मतलब कह रहा है कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये कुछ नहीं गिवन है, ये ऐसे समझो ये गिवन है c निकालने के लिए। बेसिकली ये चाहता है एक पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो आओ इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो dy by y is equal to हो जाएगा tan x dx, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि log y बराबर हो जाएगा log ऑफ mod of sec x plus c, log of mod of sec x plus c। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, क्लियर है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या y की वैल्यू लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ mod of sec x plus c, क्लियर है। तो यहाँ पे और अगर थोड़ा सा गौर से देखो, क्लियर है, तो इसको कुछ log c1 लिख सकता हूँ, log c1 कोई भी, क्लियर है। तो ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आएगा क्या तुम्हारा निकल के, y इज इक्वल टू देखना sec x mod इंटू c1, क्लियर है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, e टू द पावर log, अगर कोई भी e टू द पावर log c बेस a है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो डायरेक्टली c, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी 1 बराबर क्या है c1। तो प्रॉपर जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, mod of sec x, क्लियर है। तो ये आपका एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर वो c1 इन्वॉल्व होता तो वो क्या कहलाता, जनरल सोल्यूशन कहलाता। तो कहने का मतलब ये हुआ सिर्फ पार्टिकुलर सोल्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल सोल्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं, जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए c की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आप जाके NCERT का एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जाके आप प्रॉपर जो है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ डी बाई होमोजीनियस मेथड, क्लियर है। होमोजीनियस मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।